देश भर के लाखों डिफेंस पेंशनर का हमारे YouTube चैनल नेशनल जगत पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में पांच जानकारियां इस तरह से रहेगी। पहली जानकारी, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ने एक ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सचिवों को। वह मैं आपको बताऊँगा कि उस ज्ञापन में उन्होंने क्या कहा है। दूसरी जानकारी इम्पोर्टेंट रहेगी, आपके एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं, डिफेंस पेंशनर जितने भी हैं, ECHS का लाभ लेते हैं, उनके लिए यहाँ पे ECHS का एक जो लेटर है, ECHS की एक सुविधा का लेटर है, वह मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तीसरा मैं आपको बताऊँगा, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सचिव के साथ में जो मीटिंग करी, उसमें क्या कंक्लूजन निकल गया, क्या उसमें निर्णय लिया गया, वह मैं आपको बताऊंगा। चौथा आपको यहाँ पे CSD कैंटीन के जो बेनिफिशरीज जो हैं उनको लेकर एक आर्टिकल छपा है, वह मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और वहीं पे हम बात करेंगे सांसद और जो विधायक हैं उनकी सैलरी और जो पेंशनर हैं उनकी सैलरी का हम कंपेरिजन करके देखेंगे। ये पाँच अपडेट रहेंगी। बिना कोई समय खराब के हम पहली अपडेट पर चलते हैं। आपके सामने यहाँ पर है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का एक ये ट्वीट है, और इस ट्वीट में इन्होंने बताया कि ORP और अदर एनोमली जितनी भी हैं उनके समाधान के लिए फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो सचिव हैं उनको और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो सचिव हैं उनको ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन है, इस ज्ञापन में क्या कहा गया है, आइए ज्ञापन को हम देखते हैं। लेकिन ज्ञापन को ध्यान से देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और डिफेंस पेंशनर से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको बताई जाती है, विस्तार से समझाई जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ज्ञापन है राष्ट्रपति महोदया के साथ साथ में प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री और जो रक्षा सचिव हैं उनके अलावा यहाँ पे जो पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के जो सचिव हैं उनको भी दिया गया है। और इसमें यहाँ पे ये लिखते हैं कि गैर अधिकारी पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के कल्याण के लिए एक संगठन गठित किया गया, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की सूचना है। जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना, प्रदर्शन और रैली के माध्यम से प्रेषित मांगों के ज्ञापन के मांगों के समाधान हेतु वार्ता के माध्यम से समाधान की प्रार्थना। अब आपको बता दें कि जो FVA है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है, ये जंतर मंतर दिल्ली पर लगातार जो अनिश्चितकालीन धरना, प्रदर्शन, रैली कर रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब इन्होंने पहल करते हुए कहा है कि हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए एक वार्ता का गठन किया जाए, वार्ता का आयोजन किया जाए, और ये इस समाधान करने की यहाँ पे मांग की गई है सरकार से। मतलब हर तरीके से सरकार के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मांग रखी गई है। आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने बताया है कि 9 अप्रैल 2023 को भारत के सैकड़ों पूर्व सैनिकों के संगठनों के समर्थन से ये एक संगठन का निर्माण किया गया, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, और इसमें बहुत सारे पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं जुड़ी हुई हैं, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये अभी प्रक्रियाधीन है। आगे लिखते हैं ये कि हमने 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उसके बाद में 3 अप्रैल को जिला कलेक्टर के माध्यम से, जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दिए गए थे। यह पहला चरण था, 3 अप्रैल को पहले चरण में जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिए गए थे। दूसरा चरण 30 अप्रैल को शुरू हुआ, और 30 अप्रैल में सांसदों के माध्यम से ज्ञापन दिए गए दूसरे चरण में। तीसरा चरण 30 मई 2023 को शुरू हुआ, और तीसरे चरण में यहाँ पे बताया गया है कि देश के सभी तहसीलदार और SDM के माध्यम से 30 मई को तीसरे चरण में ज्ञापन दिए गए। किसको ज्ञापन दिए गए, ये राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन पहले प्रेषित कर चुके हैं। ये इन्होंने पहले का बैकग्राउंड याद दिलाया है। आगे ये कहते हैं कि हमारे जो इसमें संगठन में 97% गैर अधिकारी पूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं और सुविधाओं के संबंध में कभी भी सरकार के समक्ष में सही से प्रस्तुत नहीं किया गया, और इसी वजह से उनकी पेंशन है, ORP है, MSP है, विकलांगता पेंशन है, और अन्य सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं
उनमें भारी विषमताएं उत्पन्न हो गई है। आगे कहते हैं कि ये जो संगठन है इसमें पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें समस्याओं और उनके लाभों के बारे में केवल फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के पदाधिकारियों से ही वार्ता करके समाधान किया जावे। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अधिकारी जो हैं उनके संगठन अब आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम जवानों को और जेसीओ को उनका हक दिलाएंगे, उनको उनका फायदा जो अधिकार है वो दिलाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार अधिकारियों के संगठन के साथ ही चर्चा करके वार्ता करके समस्या का समाधान करने में लग जाए, ऐसा ना हो इसलिए कहते हैं कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के ही पदाधिकारियों से वार्ता करके समाधान किया जाए। आगे कहते हैं कि यथाशीघ्र इन मांगों को ध्यान में रखते हुए और दीर्घ अवधि से लंबित मांगों का समाधान है वो किया जाए। आशा है कि लोक कल्याणकारी सरकार राष्ट्र रक्षा को समर्पित रहे लाखों पूर्व सैनिकों युद्ध विधवाओं की समस्याओं का समाधान हेतु शीघ्र संज्ञान लेते हुए प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हेतु स्थान और तिथि की सूचना प्रदान कर अनुग्रहित करेगी। यानी बहुत ही विनम्र तरीके से यहाँ पे सरकार के सामने यहाँ पे इन्होंने अपनी मांग रखी है। जो अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ हैं सेवानिवृत्त, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी यहाँ पे मांग रखी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। ये लेटर आप देख रहे हैं, ये लेटर लिखा है इंदर मोहन सिंह जी, ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, इन्होंने लिखा है। ये लिखते हैं कि जो कैशलेस ट्रीटमेंट है ECHS के जो मेंबर हैं उनको एम्स में दिलाने के लिए, लिखते हैं कि जो CGHS बेनिफिशरी जो हैं उनको एम्स में कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है CGHS वालों को, लेकिन ECHS वालों को नहीं। आगे लिखते हैं कि एम्स है ये इंडिया का एक्सीलेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये भी इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी सभी जानते हैं। आगे लिखते हैं कि इसीलिए ECHS जो है उसमें CGHS वाले सारे लाभ मिलने जरूरी हैं ECHS वाले लाभार्थियों को। और तीसरे बिंदु में लिखते हैं इसीलिए हम निवेदन करते हैं सरकार से कि वो ECHS के बेनिफिशरीज को एम्स की सुविधाओं का लाभ है वो दे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की ओर, और ये आप देख रहे हैं इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के प्रेसिडेंट इंदर मोहन सिंह जी, ब्रिगेडियर, जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, इन्होंने लिखा है डियर वेटरन्स। आगे लिखते हैं कि ये कहते हैं कि श्री वीके सिंह सेक्रेटरी ऑफ ESW के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ 7 जून को मीटिंग हुई थी इनके साथ में, उनका खुलासा पहले इन्होंने नहीं किया था। अब ये कहते हैं कि उस मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए थे, अब यहाँ पर ये खुलासा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इसमें जगजीत सिंह एयरफोर्स एसोसिएशन के जो हैं वो भी थे, ब्रिगेडियर OP यादव जो हैं नेवल के वो भी थे, और इसके अलावा IESL के कुछ प्रेसिडेंट थे। उस मीटिंग में सरकार के सामने ORP एनोमलीज को दूर करने के लिए और उनके एरियर का भुगतान करने के लिए डिमांड करी गई, तब यहाँ पे सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने इसमें जो डिस्कशन जो हुआ था उसमें ये कहा कि जो सरकार के पास में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो फंड को लेकर आ रही है। पैसे सरकार के पास में नहीं हैं, सरकार के पास में पैसे नहीं हैं। पैसे किसके लिए नहीं हैं? पेंशनर्स की हक देने के लिए, उनके जो एंटाइटलमेंट देने के लिए सरकार के पास में फंड नहीं हैं। आगे इन्होंने जो सेक्रेटरी है उन्होंने क्या बताया, सेक्रेटरी ने आगे बताया USA और UK में, USA अमेरिका और UK के अंदर जो डिफेंस बजट होता है उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उस बजट में बहुत ही कम मात्रा में 16% जो पैसा है वो पेंशनर्स को और वेतन और पेंशन में खर्च होता है, सिर्फ और सिर्फ मात्र 16%, और वहीं पे इंडिया में लगभग 70% के आसपास खर्च हो जाता है। इस तरह का यहाँ पे इन्होंने जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा। तो यहाँ पे अब ये तो मान लिया है कि चलो सरकार के पास में क्या पता फंड नहीं होगा, बजट नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है, क्या ये जो फंड है ये पेंशनर के लिए ही नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि सांसद जो है, जो सांसद हैं उनकी सैलरी सारे वेतन भत्तों को मिलाकर 2.976 यानी 2.96 लाख तक, यानी लगभग 3 लाख रुपए तक यहाँ पे सांसदों को सारे वेतन भत्ते मिलाकर सैलरी मिलती है 2,96,000 रुपये तक की। वहीं पे जो सांसद हैं उनकी अगर बात करें उनकी इनकम में कितनी बढ़ोतरी हो रही है
तो सालाना उनकी जो इनकम है प्रॉपर्टी है उसमें 286% की वृद्धि देखने को मिल रही है। ये कहाँ से आ रहा है फंड, ये फंड कहाँ से आ रहा है भाई, ये बताइए हमें कोई कहाँ से आ रहा है। जब पेंशनर के लिए नहीं है तो सांसदों को देने के लिए, विधायकों को देने के लिए इतना बड़ा बजट है वो कहाँ से आ रहा है, सरकार को जवाब देना चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम बड़ी अपडेट जो आ रही है, वो सीएचडी कैंटीन के जो बेनिफिशरीज हैं उनको लेकर आ रही है, और इसमें नए नियमों के बारे में कहा गया है। इसको मैं बहुत विस्तार से पहले बता चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आपके सामने यहां पे वो वीडियो आने वाला है, अब वो वीडियो देखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।